दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्दी हेल्थ फॉरएवर पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 10 फूड्स के बारे में, 10 भोजनों के बारे में जिनको एक साथ मिला के कभी भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपने ऐसे दो भोजनों को एक साथ मिला के खा लिया तो इससे आपको अनएक्सपेक्टेड हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ सकते हैं। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जो फूड लवर्स हैं उनको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आपको किस भोजन के साथ क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो देखिए, जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है वो होता है सिट्रस फ्रूट्स और दूध का। एक्चुअल में जो सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जो जूसी फ्रूट्स होते हैं, जैसे संतरा हो गया, ऑरेंजेस हो गए, तो इस तरह के जो फल हैं, लेमन हो गया, अगर आप दूध के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं तो जो इसका एसिड होता है, इसके अंदर जनरली एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड होता है, ये दूध को कडल कर देता है और फिर ये डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है इस दूध के, और इसके कारण आपको पेट में बहुत तेज दर्द हो सकता है, यहाँ तक कि मरीज को उल्टियाँ भी आ सकती हैं। तो बिल्कुल भी आप ऐसे सिट्रस फ्रूट्स और दूध को एक साथ मिला के कभी भी इस्तेमाल ना करें। दूसरा, ऐसे फूड्स या ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर स्टार्च कंटेंट बहुत ज्यादा होता है उनको कभी भी मीट के साथ मिला के नहीं खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बनाना, केला, आपको कभी भी केले को मीट के साथ एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों को पचाने के लिए डिफरेंट तरह के एंजाइम्स की जरूरत होती है, मीट को पचाने के लिए या हाई स्टार्च कंटेंट फूड्स को पचाने के लिए। अब अगर आप इन दोनों को एक साथ खा लेते हैं तो जो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हैं वो आपके पेट के अंदर फर्मेंटेशन बहुत तेजी से कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको गैस बनने लगती है, पेट में दर्द हो सकता है, पेट खराब भी हो सकता है, मरीज को नौजिया या वॉमिटिंग भी हो सकती है। तीसरा, योगर्ट्स एंड फ्रूट्स को भी एक साथ खाने से बचना चाहिए। हालांकि योगर्ट्स को बहुत अच्छा प्रोबायोटिक माना जाता है, लेकिन आप इसको फलों के साथ अगर मिला के खाते हैं तो अगेन वही थ्योरी आती है, क्योंकि दोनों को पचाने का तरीका अलग है, आपकी बॉडी का उसके लिए एंजाइम्स अलग अलग होते हैं, और अगर आप फ्रूट्स उसके साथ खाते हैं तो योगर्ट्स जो है, जो प्रोबायोटिक्स होते हैं योगर्ट्स के अंदर, वो खराब होने लगते हैं। एक साथ फ्रूट जब खाते हैं जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो इसकी वजह से एक तो इंडाइजेशन हो जाता है और जो योगर्ट का आपको बेनिफिट मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिलता है। चौथा होता है फिश और डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि मछली और दूध को एक साथ नहीं मिला के खाना चाहिए। और ये कहावत देखिए बड़े पुराने जमाने से बड़े बूढ़े भी ये कहते आए हैं, उसका कारण और सिंपल बिल्कुल बड़ा आसान सा कारण है, क्योंकि आपके स्टमक को दोनों ही प्रोटीन्स को पचाने के लिए अलग अलग तरह के एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, और ये दो अलग अलग तरह के एंजाइम्स एक साथ आपके पेट में आते हैं, उससे ब्लॉटिंग होती है, पेट दर्द भी हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, इवन आपको इंडाइजेशन होकर डायरिया भी हो सकता है, और कई बार इससे स्किन डिसऑर्डर्स भी डेवलप होने के डर बन जाता है, क्योंकि दो अलग अलग प्रोटीन पर जब एक साथ इंटरेक्ट करती हैं तो कई बार कुछ मरीजों को पित्ती उछल जाती है या अर्टिकेरिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो आप मछली और दूध अंडा एक साथ खाने से बिल्कुल परहेज करें। पांचवा होता है बीन्स और चीज को भी खाने से बचना चाहिए, क्योंकि देखिए बीन्स वगैरह के अंदर जो है काफी अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, चीज के अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और जब एक साथ ये मिलते हैं आपके पेट में जाके तो इनसे भी इंडाइजेशन होने का डर बना रहता है, इससे आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। और छठा जो है वो देखिए फ्रूट्स जो है उनके फ्रूट्स खाने के बाद या फ्रूट्स के बीच में आपको पानी पीने से बचना चाहिए। आप अगर ऐसा करते हैं तो इससे भी इंडाइजेशन होता है, दूसरे जो एसिड रिलीज होता है पेट के अंदर वो डाइल्यूट हो जाता है, और आपको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होती है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, और आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो जाता है। तो आप फ्रूट्स और पानी को भी एक साथ इस्तेमाल करने से बिल्कुल बचना चाहिए। सातवां, देखिए जो मेलोन है, जो तरबूज है, वो बड़ा अच्छा लगता है गर्मी के दिनों में, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप मेलोन को हमेशा, तरबूज को खाली पेट खाना चाहिए, किसी भी भोजन के साथ मेलोन को नहीं मिलाना चाहिए, तरबूज को मिला के नहीं खाना चाहिए, उससे भी इंडाइजेशन बहुत जल्दी होने का खतरा बढ़ जाता है। पानी कभी भी बिल्कुल आप तरबूज खाने के साथ चाहते आगे पीछे बिल्कुल पानी ना पिए, क्योंकि आप अगर एक साथ दूसरे भोजन तरबूज के साथ मिला लेते हैं तो एक तो ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होगी, पेट फूलने लगेगा, गैस आपको बनेगी, इंडाइजेशन होगा, और आपको वॉमिटिंग्स भी आ सकती हैं। तो तरबूज के साथ कोई भी दूसरा भोजन या दूसरे फल मिला के खाने से बचना चाहिए, तरबूज को हमेशा अकेला ही खाएं। और जो आठवां कॉम्बिनेशन है वो है जैसे कुकुम्बर और टमाटर वगैरह जो है उनको भी आप कभी
डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ मिला के ना खाएं, क्योंकि आप अगर इनको एक साथ मिला के खाते हैं तो फिर इससे आपके पेट में एसिडिटी होने का खतरा बढ़ जाता है, आपको गैस बहुत ज्यादा बनती है, गैस अगर बनती है तो आपको डिस्कम्फर्ट होता है और नॉजेटिक फीलिंग हो सकती है। तो इसलिए आपको खीरा और टमाटर और दूध, ये कॉम्बिनेशन एक साथ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। और देखिए जो नाइन्थ कॉम्बिनेशन है, डेजर्ट्स आफ्टर मील। हालांकि ये एक फैशन है कि जब भी खाने के बाद आपको डेजर्ट चाहिए होता है, बट ये ठीक नहीं है। खाना आपके टेस्ट के लिए जरूर अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके डाइजेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। आप जब खाने के बाद डेजर्ट्स खाते हैं तो आपके जो एसिड रिलीज होता है, जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं भोजन को पचाने के लिए, उनको सप्रेस कर देता है। कोई भी जब आप ठंडा पदार्थ वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप चाहे बहुत ठंडा पानी पिए, आइसक्रीम वगैरह खाएं, या कोई भी आप मीठा ठंडा अगर खाते हैं, तो इससे एक तो आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलते हैं, एक वो रिस्क है, और दूसरे आपका इंडाइजेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आप खाने के फौरन बाद डेजर्ट ना खाएं। खाना भी तो आपको कम से कम आधा घंटा एक घंटे के बाद आपको कोई भी डेजर्ट इस्तेमाल करना चाहिए। और लास्ट बट द लीस्ट, 10th नंबर जो होगा, जब भी आप कोई स्पाइसी खाना खाते हैं तो उसके बाद फौरन बहुत तेज गर्म कोई पेय पदार्थ ना पिए, जैसे चाय या बहुत गर्म पानी ना पिए। कुछ लोगों की आदत होती है वो खाना खाने के बाद गर्म पानी पीते हैं, लेकिन आप अगर नॉन स्पाइसी हल्का स्पाइसी खाना खाते हैं तो थोड़ा बहुत पानी पी लें। वैसे भी खाना खाने के बाद किसी भी तरह का पेय पदार्थ या पानी नहीं पीना चाहिए, उससे भी इंडाइजेशन होता है, लेकिन अगर आप गर्म पानी पियेंगे तो उससे आपको एसिडिटी होगी, और जो आपने पहले ही ऑलरेडी इतना स्पाइसी खा चुका है तो और ज़्यादा हीट कंज्यूम होगी आपके स्टमक के अंदर, जिससे इंडाइजेशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये 10 कॉम्बिनेशंस थी जिनको आपको कभी भी एक साथ मिला के नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो अनएक्सपेक्टेड हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज होने का डर था, उससे आप बचे रहेंगे और आप अपने आप को हेल्दी बना के रखेंगे। अच्छा खाने की, अच्छे तरीके से खाना खाने की आदत डालें, 2 कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखें। तो अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स अच्छी होंगी, आपके कॉम्बिनेशंस खाने के अच्छे होंगे, तो हमेशा सिर्फ स्वाद पे मत जाइए, उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनके बारे में भी सोचिए। तो मुझे उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वाकई ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, दैट इसका फायदा पहुंचे। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें, तो दैट इस तरह की हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।